हेलो, माय नेम इज सत्यम और आज हम खेल रहे हैं फिर से एक बार आज सर्वाइवल। और आज हम करने वाले हैं, पहले तो हम ऑटर को टेम करते हैं और बाद में बताता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो ये ऑटर यहाँ पे है, मुझे बस इसे टेम करना है। मुझे वो रेड वुड के जंगल के पास ये दिखा था, मैंने इसे पेट्रोन के साथ उठा के यहाँ ला लिया। तो ये बस मैं इसे टेम करता हूँ और बाद में अब हम 56 लेवल के भी हो चुके हैं। तो हम पहले फ्लेक्स आर्मर बनाएंगे और उसके बाद तो ये 83% हो चुका है, अब 91% कभी भी हो सकता है। ये दिखता बहुत ही भाई क्यूट है। तो भाई इसके लिए भी एक नाम सजेस्ट कर देना और जल्दी करना है भाई, क्योंकि जल्दी से जल्द मुझे इसका नाम रखना है कोई अच्छा सा। और ये हो गया भाई, 0.1% के लिए बच गया। तो देखते हैं कि ये भाई क्या कर सकता है। मैंने सुना है कि ये ब्लैक पर्ल कलेक्ट करता है और इसे ठंड भी नहीं लगती। ओके, हो गया टीम। अभी तो ये अटैक टारगेट है। ओह, ये तो अच्छा दिख रहा है। अभी तो मैं इसे घर में रखता हूँ और बाद में देखते हैं कि जब हम पेल्ट का सूट बनाएंगे तो इसे भी लेके जाऊँगा। ओके ठीक है, तो हम पहले जो फ्लेक्स आर्मर है वो ओपन करते हैं और देखते हैं कि वो भाई के उनके लिए क्या क्या मटेरियल लगता है। और वो भी हमें बनाना है। और उसके बाद ही हम यहाँ पे जा सकते हैं यार आइस में, क्योंकि वहाँ पे स्नो में जाने के बाद ठंड इतनी लगती है कि भाई आप ठंड से ही मर जाओगे। तो पहले देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये 56 लेवल पे खुलता है फ्लेक्स का आर्मर। तो लगभग हम सब कुछ नहीं, फ्लेक्स आना वाला है 56। तो सब कुछ ओपन कर देंगे। ओके ग्लव्स और ये सब ओपन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो ये तीन देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहले उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, हम ये इसका हुल कार्मल बना सकते हैं, पर हमारे पास ओपन किया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो उसके लिए पेल लगते हैं वो पेल ज्यादा है नहीं। ये देखिए, इसके लिए जो पेल लगता है ना वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम फोर आर्मर बना नहीं सकते। तो देखते हैं, हम पहले ये बना लेते हैं और उसके बाद स्नो में जाकर पेल बनाएंगे। कुछ ज्यादा नहीं लगता इसका, दीजिए बनाना। तो तीनों में बना लेता हूँ अभी पेल्ट। ओके ठीक है, तो मैंने फ्लेक्स का आर्मर बना लिया। तो पहले आर्मर पहनता हूँ और देखता हूँ कि इसमें भाई कैसे दिखता हूँ मैं। ये देखो भाई, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अभी चलता हूँ, तो अभी मैं स्नो में चलता हूँ और सीधा डायर वुल्फ को मारेंगे और उन्हें भी थोड़ा टेम करेंगे। डायर वुल्फ भाई खाते क्या है वो मुझे भी मालूम नहीं है, शायद मीट ही खाते होंगे, क्योंकि वो हमें हम पर अटैक करते तो डायर वुल्फ मीट ही खाते होंगे। तो मैं मीट लेके जाता हूँ बहुत सारा और उसे टेम करके शायद पेट्रोडॉन उठा सकते हैं मेरे ख्याल से, वरना मुझे उसे टेलीपोर्ट ही मारना पड़ेगा। ओके, तो मैं अभी सीधा स्नो में जाकर ही आपसे। ओके, तो हम थोड़े नज़दीक पहुंच चुके हैं इस बार और जाके देखते हैं कि भाई कहाँ पे जाना है और उन्हें ढूंढते हैं पहले और उसके बाद देखेंगे। पहले मुझे देखना है कि मुझे इस बार थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लगती है या कम लगती है, क्योंकि मैं जब पिछली बार आया था ना तो लगभग यार ठंड से ही मर गया था। तो मुझे पहले देखना है कि मुझे कितनी ठंड लगती है। तो मुझे ज़्यादा तो ठंड नहीं लग रही है शायद, क्योंकि वो जो एकदम क्या कहते हैं उसे, मैं भूल गया उसे क्या कहते हैं, पर वो तो नहीं लग रहे। अब से ठीक ठाक सादी सी ठंड। तो ये भाई साहब, मैं इन्हें यहाँ तक तो लाने में कामयाब रहा हूँ। अभी तक तो भाई वो मेरे पीछे भी नहीं आ रहे थे, मैं अभी तो आ रहे, देखते हैं क्या होता है भाई। अभी भी सेविंग आ गए, अभी मैं उन्हें शायद तो दूर ले जाऊँगा, दूर ले जाने की प्रयास करता हूँ यहाँ से। भाई एक आ जाए तो भी भाई काफ़ी है मेरे लिए। भाई बहुत भाई कहाँ गए, भाई आ जा। ए उतरना मत, कहाँ गया भाई, यहाँ पे कोई नहीं है। अभी तो भाई दो थे, हाँ है भाई, वो शायद वो मर गए। नहीं है, जिंदा है जिंदा है। शिट मैन, ये अब यहाँ से ले जाता हूँ उन्हें। अबे मैं इधर हूँ सालो, इधर देखो। नो, भाई मैं फंस गया। भाई भाई भाई, अब ये गलत हो गया, ये गलत ही हो गया। अब अगर आएंगे तो मैंने टेम तो भाई कर सकता हूँ इजीली। अब थोड़ी भाई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ और यही यही उनका गेम बनेगा। भाई सब तुम मरोगे यार, जिंदा नहीं रहोगे भी यार। अभी लोडिंग किधर रे, मुझे तुम्हें क्या कोई अच्छी तरह से यार टेम करना था और तुम्हें तो इधर भाई मरना है, इसलिए तुम आ रहे हो सालो। मेरा पेट्रोडॉन इधर आ जा भाई। इतनी मुश्किल से भाई ने मैंने इधर लाया था।
अरे कहना क्या चाहते हो? भाई कितना देर लगा था मुझे, अबे आ जा, आ गया आ गया आ गया, इतना भी भाई भाई साहब बहुत देर लगी है, पर हो गया भाई। मैं अभी फटाक से नीचे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई क्या हो गया। ये देखिए हो चुका है। अबे मैंने क्या किया, वैसे मैंने बुलाने का प्रयास किया, वो आ गई, आ भी गया, और मैंने उसे ये कर दिया भाई, तीन चार एरो मार के निपटा दिया यहीं पे। अब मैं पटाख से इसमें कुछ डाल देता हूँ बहुत सारा, मैं अभी इंतज़ार नहीं करने वाला कुछ। अबे क्या कर रहा है साले, ये भी डाल देता हूँ, और थोड़ा फूड देखते हैं इस बार भी होते होने देते थोड़ा सा कम, क्योंकि भाई भूखे होते हैं तो इनका फूड शायद कम हो सकता है जल्दी जल्दी से, तो मैं थोड़ा यहाँ पे इनकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई सारे दरिंदे घूमते रहते हैं कि कभी भी आकर इन्हें मार सकते हैं। तो भाई अब नहीं, मैं भाई किसी की सुनने वाला, अब अगर कोई भी आए ना तो वो सीधा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मेरे पास मैं बहुत सारी एमओ लेके आया हूँ और बहुत तलवार भी है मेरे पास, तो अभी भाई बचने वाला कोई है नहीं, तो क्या करूँगा मैं इसे अभी भाई, क्या कर सकता हूँ भाई मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसे मैं घर में कैसे ले जाऊँ। ठीक है सीधा भाई टेलीपोर्ट मार दूंगा यहाँ से, दोस्त साले मुझे मारना वो मार, अभी अभी मर गया था। अब कैसा लग रहा है भाई, आज भाई दिन भर मुझे बहुत ही परेशान किया है इन्होंने। ओके मैंने एक काम कर दिया, अभी इसे एक स्मूदी बम दे दिया है, तो इसे भाई 3x होगा, तो देखते हैं कि भाई कितना तेज़ होता है, कि स्मूदी बम देने के बाद में क्या देर लगती है नहीं, वो भी देखना है मुझे। और यहाँ पे भाई रात भी होने वाली है, और मुझे भाई वो उधर ना, मैं एक आइलैंड पे गया था ना पिछली बार जब सोने, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऑयल दिखे थे, तो वहाँ पे मैं ऑयल लेने भी आ सकता हूँ। और यहाँ पे उली राइनो भी है, और उसका सेटअप भी मेरे पास है, बस खुला नहीं है पर है इधर, तो इसे भी मैं टेम कर सकता हूँ। तो भाई अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, देखते हैं कि भाई कितनी जल्दी टेम होता है, टेम होने के बाद ही मिलूंगा भाई। इसने भाई मेरी बहुत ज़्यादा साथ निभाई, तो भाई इसके लिए कोई नाम सजेस्ट कर दो यार, ये कह रहा है कि इसके लिए कोई नाम सजेस्ट नहीं करता, कर दो यार नाम सजेस्ट कर दो। और इसका टेमिंग का वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हो, मैं आई बटन तो में यहाँ दे भाई ये दूंगा। देखो इसका वीडियो, 51 लेवल का हो चुका है, अभी थोड़ा बारिश है इसलिए शायद आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, अंधेरा भी है, तो भाई थोड़ा मैं रुको यार, मैं वेट कम करके आता। ओके ठीक है यार, ये 51 लेवल का था, तो अभी मैंने गलती से वीडियो का स्टार्ट करने का बटन ही नहीं दबाया था, तो और इसको मैंने 2 पोटेंटस भी खिलाया, और उसने इसे हम अभी व्हाइट भी करने वाले। हाँ भाई मालूम है। हाँ बोल, मुझे तुम्हें एक पूछना था यार, तो तुम्हारे यहाँ उली डायनोस होता है क्या? उली राइनोस क्या हाँ होते हैं, वुड वुड कलेक्ट करते हैं? मालूम नहीं, बस मैंने उनका मांस खाया, मांस बहुत अच्छा होता है। और ये भी होते होंगे तुम्हारे यहाँ मेमत, वो कलेक्ट करते हैं ना वुड? हाँ शायद करते हैं, पर उनका मांस भी मैंने खाया, वो भी अच्छा होता है। मारते हैं क्या तुम्हें वो? भाई अबे मारते हैं थोड़ा सा, पर हम ज्यादा मारते हैं उन्हें। थोड़ी इज्जत से बात करना। अबे मैं इज्जत से ही बात कर रहा हूँ, हमारी भाषा ही ऐसी है कि भाई हम इज्जत से बात करें ना तो भी लोगों को लगता है कि हम इज्जत से बात नहीं करते। ओके ठीक है, तो मैं थोड़ी पोटेंटस और खिला देता हूँ, लेवल अप करता हूँ तेरा, ओके कर भाई, मुझे भी लेवल चाहिए। इसको भी मैं वेट पे लगा दूंगा सभी, क्योंकि भाई इसका वेट थोड़ा कम है। ये डांस भी बहुत अच्छा करता है। अरे भाई साहब पास से तो इसका भाई बहुत डर लगता है, आंखें भी के बहुत ही भयानक टाइप का ये दिखता है। वैसे दो दो पहले इसका आता है कि लेवल अप बचत बहुत तेजी से होता है, अब क्या हो गया, अब थोड़ा स्टैमिना भी बढ़ाएंगे। ओके ठीक है भाई, ये थोड़ा सा वाइट हो चुका है पर ज़्यादा नहीं हुआ, मुझे तो भाई पूरा का पूरा वाइट चाहिए था, पर ठीक है वाइट तो भाई अच्छा है। ओके ठीक है, तो ये आखिरी पोटेंडस बचा है, ये अब मैं खिला देता हूँ, और इसके बाद मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता, मैं थोड़ा इसे थोड़ा टेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि भाई ये कितना पावरफुल है। ओके ठीक है, तो भाई इसे देखते हैं कि इसका अटैक कितना है और क्या इसका क्या क्या है वो भी देखेंगे। ये शायद डबल टैप का कोई सेकेंडरी अटैक नहीं है, तो भाई जंप इसका बहुत अच्छा है, तो देखते हैं कि भाई कोई शिकार हमें मिल जाए यहाँ पे। ओके ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मैं ढूंढता हूँ, अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है। ये क्या उड़ भी कलेक्ट करेगा क्या? ये तो कुत्ता जैसा भौंकता है। नहीं ये कुछ नहीं कलेक्ट करता। ओके मेरा पहला शिकार मुझे मिल चुका है, ये नहीं पैरासौर। तो ठीक है अब हम अटैक करेंगे इस पर ना, पेट्रोडॉन पर ही ओके अटैक करते हैं भाई। मेरा ऑटर किधर गया?
इसे मारता हूँ, ये ज़्यादा जाएगा भी नहीं आगे पीछे। तो भाई अटैक इसका बहुत अच्छा है वैसे, बस अब कितना कलेक्ट करता है वो देखना। अबे चल ना, रुक क्यों रहा है? और स्टेमिना कम है इसका थोड़ा, अब मुझे इस पर स्टेमिना पर थोड़ा भाई ध्यान देना पड़ेगा। भाई साहब ये मीट बहुत ज़्यादा कलेक्ट करता है अभी, भाई लगभग 38 के ऊपर ही भाई कलेक्ट कर दिया मीट इसने। भाई भाई लगा दो, अभी अभी लगा देता हूँ इसके स्टेमिना पर ही लगा देता हूँ अभी ये लेवल। भाई स्टेमिना इसका बढ़ना चाहिए, देखते हैं कि कितना कलेक्ट किया है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया है इसने अभी। हाँ भाई हाँ, मुझे मालूम है तो बहुत खुश है। अरे गलती हो गई, ये देखो भाई 35 शायद मैंने डाला था, नहीं हाइट कलेक्ट करता है भाई, इसने हाइट कलेक्ट किया। बे थोड़ा स्पीड भी इसका कम है वैसे, सिंगल टैप पर ज़्यादा नहीं चढ़ता भाई। हाइट बहुत ही अच्छा कलेक्ट करता है यार। भाई क्या ये डोडो मुझ पर अटैक कर रहा था क्या? कि ठीक है भाई, इसने तो डोडो से भी भाई 24 हाइट निकाली है। ये हाइट बहुत अच्छा कलेक्ट करते हैं मुझे भाई, मेरे तो हाइट का भाई मुझे बहुत ही ऐसे प्रॉब्लम रहती है, पर हाइट मिल जाता है भाई ऐसे भी, पर ये कलेक्ट भी अच्छा करते हैं भाई। अपना ये होता है ना कौन, वो भाई रैप्टर, वो हाइट इतना अच्छा कलेक्ट नहीं करता, वो मीट अच्छा कलेक्ट करता है। तो ठीक है, और भी थोड़ा को मारता हूँ। मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है इन्हें मारने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक और अटैक करेंगे यार, इस पैरासॉर को मारते जाते हैं भाई, आप देख सकते हो पैरासॉर को कैसे मारते हैं। मारो यार, और एक अटैक हो गया।